तेघड़ा अनुमंडल अंतर्गत तेघड़ा नगर पंचायत को नगर परिषद में उत्क्रमित किया गया एवं बरौनी नवगठित नगर परिषद के चुनाव से संबंधित प्रशासनिक तैयारी तेज हो चुकी है। निर्वाचन आयोग के दिशा निर्देशानुसार तेघड़ा के अनुमंडल एवं प्रखंड प्रशासन द्वारा वार्ड गठन एवं परिसीमन को अंतिम रूप दिया जा रहा है। 25 अप्रैल सोमवार को अटल कलाम भवन तेघड़ा के सभागार में नवगठित नगर परिषद बरौनी के वार्ड गठन एवं सीमांकन की चल रही अंतिम प्रक्रिया को मूर्त रूप देने हेतु समीक्षात्मक बैठक अनुमंडल पदाधिकारी राकेश कुमार की अध्यक्षता में आयोजित की गई। इस बैठक में प्रशासनिक पदाधिकारी के अलावे सामाजिक एवं राजनीतिक नेतृत्व कर्मियों ने भाग लिया। अनुमंडल पदाधिकारी राकेश कुमार ने बताया कि 2011 के जनगणना के अनुसार तेघड़ा नगर परिषद क्षेत्र में 56,234 जनसंख्या के अनुसार पूर्व के 25 वार्ड को बढ़ाकर 28 वार्ड एवं बरौनी नगर परिषद क्षेत्र के जनसंख्या 77,262 के अनुसार 31 वार्ड का गठन एवं परिसीमन की तैयारी अंतिम चरण में है। उन्होंने बताया कि शीघ्र ही परिसीमन की घोषणा एवं आपत्तियों का निपटारा वार्डों के अनुमोदन एवं गजट संबंधित प्रशासनिक कार्रवाई पूरी की जाएगी। बैठक में अपर अनुमंडल पदाधिकारी अविनाश कुणाल, प्रखंड विकास पदाधिकारी संदीप कुमार पांडे, अंचल अधिकारी परमजीत सिरमौर, प्रखंड सांख्यिकी पदाधिकारी रजनीश कुमार, BCO तेघड़ा एवं प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारी, प्रभारी अंचल निरीक्षक सुभाष कुमार, जिला परिषद सदस्य शिवचंद्र महतो, जदयू प्रखंड उपाध्यक्ष अविनाश कुमार, बारो उत्तरी के पूर्व मुखिया प्रतिनिधि पंकज राय, फुलवरिया एक मुखिया प्रतिनिधि दशरथ राम, पूर्व जिला परिषद सदस्य सिकंदर अली आदि मौजूद थे। BNP न्यूज के लिए तेघड़ा से संवाददाता मिराज आलम की रिपोर्ट। जानकारी है कि यहाँ पे तेघड़ा प्रखंड के अंतर्गत ही दो नगर परिषद क्षेत्र बनने जा रहा है। एक पूर्व से है जिसका कि उत्क्रमित होकर के नगर पंचायत से नगर परिषद तेघड़ा हो रहा है। नगर परिषद होने के बाद पहला चुनाव होगा, उसके लिए परिसीमन होना है। 3 नए वार्ड उसमें से बढ़े हैं और दूसरा जो है नगर परिषद बरौनी बनना है जिसमें कि 31 वार्ड रहेंगे और ये पहली बार बन रहा है। तो इसके लिए जो है फील्ड स्टाफ और हम लोगों के द्वारा भी जो है इसको देखा गया ताकि भौतिक विभाजन या वैसे प्राकृतिक विभाजन के आधार पर जो है उसको यथासंभव जो है आबादी को बराबर रखते हुए उसको 31 वार्ड में बांटा जा सके। और ये लगभग कई दिनों के मेहनत के पश्चात लगभग तैयार हुआ, जिस पर वहाँ के जनप्रतिनिधियों से जो है फीडबैक लेने के लिए आज एक बैठक बुलाई गई थी और उस पर जो सुझाव मिला है उस सुझाव के आधार पर आज एक बार उसको फिर से दिखवा करके और ये 27 अप्रैल तक ये काम पूर्ण किया जाना है ताकि 28 को जो है इसका प्रकाशन हो सके। तो 27 तारीख तक वार्ड गठन करके इसको अपलोड कराना है, इसी के लिए हम लोग आवश्यक तैयारी किए हैं।